विधानसभा सत्र के आठवें दिन विधानसभा परिसर के बाहर में विपक्षी दल के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया, जहां परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। बिहार दरोगा परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सरकार एक तरफ नए बहाली करने का दावा करती है, लेकिन पिछले साल दिसंबर में हुए दरोगा बहाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। दावा और वादा करती है कि नए पुलिस बल की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं, दरोगा कितने पद पर बहाल करने जा रहे हैं, अवर निरीक्षक करने जा रहे हैं, लेकिन जो उसकी परीक्षा हुई है पिछले साल दिसंबर महीने में, उसका क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो गया। वो परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी पढ़ लिख के आए थे, उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी, वो फिर से इम्तहान चाहते हैं, इस पूरे प्रकरण की जाँच चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार सरकार इस मामले में दरोगा अभ्यर्थियों की बात क्यों नहीं सुन रही? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये राज्य के हजारों नौजवान जो दरोगा बनना चाहते थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। इससे पहले भी पुलिस की बहाली में कई गड़बड़ियाँ हुई हैं। जो भी बहालियाँ होती हैं वो लगता है पहले से प्रायोजित रहता है, तो इसकी जाँच होने से ही मामला स्पष्ट होगा। और ज़्यादातर बहाली नालंदा मॉडल के ही लोग क्यों आते हैं, ज्यादातर उसी इलाके के लोग क्यों आते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए इस मामले में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार के दौरान हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। वहीं सदन के बाहर भी विपक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लिए विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।